हेलो गाइस, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं पॉन इंफोटेक चैनल। गाइस, नंबर सिस्टम के सीरीज का मेरा पांचवा वीडियो है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन और डेसिमल टू हेक्सा कन्वर्जन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन तीनों कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और जो की MCQS पर आधारित होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है 196, जो कि एक डेसिमल वैल्यू है। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्सा में। ये हमारे चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसको हमको देखना है। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके इसको आप सॉल्व कीजिए और बताइए कि कौन सा आंसर इसका सही है। मैं आपको बता दूं, इसमें से पहला वाला आंसर ये सही है हमारा। कैसे सही है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 196 कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो बाइनरी के बेस 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 × 18 = 16, 0 फिर 2 से 2 × 4 = 8, 2 × 18 = 0 फिर 2 से 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 1 फिर 2 से 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 0 फिर 2 से 2 × 6 = 12 = 0 फिर 2 से 2 × 3 = 6 = 0 फिर 2 से 2 × 1 = 2 = 1 फिर 2 से 0 बार में जाएगा और 1। नीचे से ऊपर के क्रम में इसको डिनोट करेंगे तो 1 1 000 1 00, ये हमारा बाइनरी आ गया। आप मिला लीजिए 1 1 000 1 00। अब 196 को फिर हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो ऑक्टल के बेस 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 × 16 = 8 × 4 = 32 + 4 फिर 8 से 8 × 3 = 24 = 0 फिर 8 से 0 बार में जाएगा और 3। नीचे से ऊपर नोट कर लीजिए, यानी कि 304, ये हमारा ऑक्टल आ गया 304 ऑक्टल। 2 हमारा निकल गया, तीसरा है हमारा, तो फिर 196 को डिवाइड करेंगे हम 16 से, तो 16 × 16 = 3 और 16 × 32 यानी कि 4। फिर 16 से 0 बार में जाएगा और 12। 12 को हेक्साडेसिमल में हम लोग क्या लिखेंगे, सी और 4, तो ये हमारा हेक्साडेसिमल। आप देख रहे हैं बाइनरी भी निकल गया, ऑक्टल भी हमारा सही था और हेक्सा भी C4 आ गया, यानी कि ये वाला आंसर हमारा सही है। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन है हमारा 134, ये भी एक डेसिमल वैल्यू है, कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्सा में। तो फिर इसको भी आप सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके और फिर इसको आप बताइए कौन सा आंसर इसमें से सही है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो फोर्थ ऑप्शन D है ये हमारा सही है। कैसे सही है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 134 है, 134 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो फिर 2 × 6 = 12 और 2 × 6 = 14 फिर 2 से 2 × 3 = 6 = 2 फिर 2 से 2 × 1 = 2 2 × 6 = 12 फिर 2 से 2 × 8 = 16 आगे फिर 2 से 2 × 6 = 8 = 0 फिर 2 से 2 × 4 = 0 फिर 2 से 2 × 1 = 2 = 0 फिर 2 से 0 बार में जाएगा और 1। यहाँ पे 1 000 फिर 00 001 और 0। आप देख पा रहे हैं कि 1 4 × 0 001 0 हमारा बाइनरी निकल गया। अब इसी को हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 134 फिर इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फिर 8 से भाग देंगे, तो 8 × 8 और 8 × 6 = 48 यानी कि 6 बचेगा। फिर 8 × 8 = 16 = 0 फिर 8 से 0 बार में जाएगा और 2 बचेगा, फिर 206, ये हमारा ऑक्टल आ गया, जो कि आप देख पा रहे हैं ऑक्टल निकल गया। सेम ऐसे ही हेक्सा में कन्वर्ट करना है, फिर 134 है, 134 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो
आठ बार में जाएगा, सोलह अट्ठे एक सौ अट्ठाईस बचा सिक्स, फिर सोलह से डिवाइड करेंगे जीरो बार में जाएगा और बचेगा एट, यानी कि एट सिक्स, ये आपका एक्सा आ गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 86 एक्सा, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही था। इसी क्रम में हमारा तीसरा क्वेश्चन है 249, जो कि एक डेसिमल वैल्यू है, इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसको आप जल्दी से सॉल्व करके इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, इसका आंसर आपका बी आएगा। कैसे आएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 249 डेसिमल है, कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो दो से डिवाइड कीजिए, दो एकम दो, दो दून चार, दो चौको आठ, फिर दो से दो छके बारह, दो दून चार, फिर दो से दो तीन छह, दो एकम दो, फिर दो से दो एकम दो, दो पच्चे दस एक, फिर दो से दो सत्य चौदह एक, फिर दो से दो तीन छह एक, फिर दो से दो एकम दो एक, फिर दो से जीरो बन जाएगा और यहाँ पे वन हो जाएगा। नीचे से ऊपर आप नोट कर लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव, यानी कि फाइव टाइम्स वन और डबल जीरो वन। देखिए यहाँ पे है आपका दो दो चार एक पांच, फाइव टाइम्स वन डबल जीरो वन। ऐसे ही अगला हमारा क्वेश्चन है 362, जो कि एक डेसिमल संख्या है, इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन मुझे बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा ए। चलिए देखते हैं कैसे ए, इसका आंसर ए होगा। 362 है, डिवाइड करते हैं इसको 16 से, और 16 दुना 32, रिमाइंडर 10 आ जाएगा, फिर 16 से 16 कब 16, 16 से 22, फिर 16 से जीरो बार में जाएगा वन हो जाएगा। नीचे से ऊपर नोट कर लीजिए, यानी कि वन सिक्स और ए, ये आपका वन सिक्स ए वाले ऑप्शन में है, तो ए हमारा ऑप्शन सही है। गाइस पांचवा क्वेश्चन हमारा 234 है, जो कि एक डेसिमल वैल्यू है, आपको कन्वर्ट करना है इसको हेक्साडेसिमल, तो आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका भी आंसर मुझे बताइए क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। कैसे होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। 234 डिवाइड की थी 16 से, 16 एकम 16 सात, और यहाँ पे 16 को 64 बचा आपका 10, फिर 16 करेंगे तो 16 जीरो बार में जाएगा और यहाँ पे 14, ऊपर से नीचे डिनोट करेंगे। 14 बराबर आप जानते हैं क्या होता है, ई, और 10 बराबर ए, यानी कि ई ये 16, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन में है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। गाइस अगला क्वेश्चन है हमारा 145, जो कि एक डेसिमल वैल्यू है, कन्वर्ट करना है आपको इसको ऑक्टल में। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 145 जो कि एक डेसिमल वैल्यू है, कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो बेस 8 से डिवाइड कीजिए। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 बटे 64, यानी कि ए, फिर 8 से करेंगे 8 दूना 16 2, फिर 8 से करेंगे जीरो बन जाएगा और 2, नीचे से ऊपर डिनोट कर लेंगे, यानी कि 2 2 1, ये आपका आंसर सही है डी। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है 25, जो कि एक डेसिमल वैल्यू है, कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में, इसका भी चार ऑप्शन आपको दिया गया है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। 25 कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में, तो वे 60 से डिवाइड करेंगे, 8 3 का 24 एक, फिर 8 से जीरो बार में 3, यानी कि 31 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, तो इसको ये हमारा सही है। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा 31 जो कि डेसिमल वैल्यू है, कन्वर्ट करना है आपको इसको बाइनरी में, तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। डी तो यहाँ पे पहले ही कट हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी में दो यूजी नहीं होता है और इसमें दो दिया है। अब 31 है, 31 को कन्वर्ट कीजिए आप बाइनरी में, दो से डिवाइड कीजिए, दो एकम दो, दो पच्चे दस एक, फिर दो से दो सत्य चौदह एक, फिर दो से दो तय छह एक, फिर दो से दो एकम दो एक, फिर दो से जीरो और एक। नीचे से ऊपर कर लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टाइम्स 1, देखिए आप किस में है, 1 2 3 4 5, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही है।
गाइस अगला क्वेश्चन हमारा 48 जो कि एक डेसिमल वैल्यू है, कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 48 कन्वर्ट करना है हेक्सा में तो बेस 16 से डिवाइड करेंगे तो सोचते हैं 48 जीरो रिमाइंडर, फिर 16 देंगे जीरो बाद में जाएगा और 3 यानी कि 30 ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। गाइस अगला क्वेश्चन है हमारा 142 जो कि एक डेसिमल वैल्यू है, कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। इसके भी चार ऑप्शन दिए गए हैं तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 142 है कन्वर्ट करना है ऑक्टल में तो बेस 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8 6 8 7 56 और बचा आपका 4, फिर 8 से देंगे 8 2 16 1 फिर 8 से 0 बन जाएगा 2 यानी कि 216 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा 32 जो कि एक डेसिमल है, कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 32 डिवाइड करेंगे 2 से, 2 × 2 = 12 रिमाइंडर 0, फिर 2 से 2 × 8 = 16 रिमाइंडर 0, फिर 2 से 2 × 4 = 8 रिमाइंडर 0, फिर 2 से 2 × 4 रिमाइंडर 0, फिर 2 से 2 × 2 रिमाइंडर 0, फिर 2 से 0 बार में जाएगा और रिमाइंडर 1 यानी कि 1 1 2 3 4 5 1 और 5 × 0 किस में है तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 5 × 0 तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा 112 जो कि एक डेसिमल वैल्यू है, कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो आप पहले और दूसरे ऑप्शन में आप देख रहे हैं, पहला ऑप्शन 169 है, दूसरा ऑप्शन 258 है, 9 और 8 ऑक्टल में आता नहीं है तो जहाँ पे ऐसा आपको मिले जो आउट ऑफ रेंज जाए यानी कि ऑक्टल का जो रेंज है 0 से 7 उससे यदि आउट जा रहा है सीधे इसको कट कर दीजिए। दो ऑप्शन आपके पास बचा सी और डी, आपको इसमें जज करना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 112 कन्वर्ट करना ऑक्टल में तो 8 से आप भाग देंगे, 8 × 8 और 8 × 4 = 32 0, फिर 8 से 8 × 8 6, फिर 8 से 0 बन जाएगा 1 यानी कि 160 जिस ऑप्शन में होगा आपका वो आंसर सही होगा। यहाँ पे डी आप देख पा रहे हैं 160 यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही है। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा 140 है जो कि एक डेसिमल वैल्यू है, कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 140 है कन्वर्ट करना है इसको आपको हेक्सा में तो हेक्सा के बेस 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 × 144 अधिक हो जा रहा है यानी कि 8 बार में जाएगा, 16 × 128 बचा आपका रिमाइंडर 12, फिर 16 से डिवाइड कीजिए 0 बार में जाएगा रिमाइंडर 8 यानी कि 8 और 12 को 12 में लिख कर क्या लिखेंगे तो सी लिखेंगे, 8C ये आएगा आपका हेक्सा किसमें है ऑप्शन नंबर ए में, ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा 95 है जो कि एक डेसिमल वैल्यू है, आपको इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। चार ऑप्शन दिए गए तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 95 इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 × 4 = 8 और 2 × 7 = 14 ए, फिर 2 से करेंगे 2 × 2 = 4 = 3 एक, फिर 2 से करेंगे 2 × 2 = 2 एक, फिर 2 से करेंगे 2 × 10 एक, फिर 2 से करेंगे 2 × 2 = 4 एक, फिर 2 से करेंगे 2 × 2 = 0 फिर 2 से करेंगे 0 बार में जाएगा और रिमाइंडर 1 नीचे से ऊपर डिनोट कीजिए और देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 1 0 1 2 3 4 5 × 1 क्योंकि 1 0 5 × 1 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा तो 1 0 1 2 3 4 5 × 1 देख रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर ए है तो ए ऑप्शन सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है 34 जो कि एक डेसिमल वैल्यू है, आपको इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। चार ऑप्शन दिए गए हैं तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही है। 34 कन्वर्ट करना है ऑक्टल में तो बेस 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 × 4 = 32 2, फिर 8 से कीजिए 0 बार में जाएगा और 4 यानी कि 42 ऑप्शन नंबर ए में है तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन हमारा 24 है जो कि एक डेसिमल वैल्यू है, कन्वर्ट करना है बाइनरी में। चार ऑप्शन दिए गए हैं तो चलिए इसको देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 24
बाइनरी कन्वर्ट करना है तो दो से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 2 4 जीरो रिमाइंडर बचेगा, फिर 2 से करेंगे, 2 6 12 जीरो रिमाइंडर बचा, फिर 2 से 2 3 6 जीरो रिमाइंडर, फिर 2 से 2 1 2 1 रिमाइंडर, फिर 2 से 0 और 1 रिमाइंडर, 1 1 0 0। आप देख रहे हैं बी ऑप्शन जो है इसमें हमारा 1 1 0 0, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा 95 है जो कि एक डेसिमल वैल्यू है, आपको इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 95 कन्वर्ट करना है हेक्सा में तो 16 से डिवाइड करेंगे, 16 बचे 80, रिमाइंडर 15 बचेगा, फिर 16 से करेंगे 0 बार में जाएगा, रिमाइंडर 5 बचेगा, यानी कि 5 और 15 को आप जानते हैं कि एफ लिखा जाता है, तो 5F जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि डी वाले ऑप्शन में 5F है तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा 17 है जो कि एक डेसिमल वैल्यू है, आपको इसको कन्वर्ट करना है पहले एग्जाम में, फिर ऑक्टल में, फिर बाइनरी में, इसी क्रम में आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। मैं इसमें आपको बता दूं जो सी वाला ऑप्शन है हमारा, ये हमारा ऑप्शन सही है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेते हैं। 17 है कन्वर्ट करना है एग्जाम में, तो 16 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 16 1 16 रिमाइंडर 1, फिर से 16 से करेंगे 0 बार में जाएगा, रिमाइंडर 1, यानी कि 1 1। अब देख रहे हैं सी में पहला ऑर्डर जो हमारा हेक्सा का है और 1 1 बेस 16 दिया हुआ है, यानी कि ए हमारा निकल गया। अब ऐसे ही ऑक्टल में करना है तो फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 16 1, फिर 8 से करेंगे 0 बार में जाएगा, 2 2 1। अगला हमारा बाइनरी, तो इसके लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16 1, फिर 2 से 2 4 8 0, फिर 2 से 2 2 4 0, फिर 2 से 2 1 2 0, फिर 2 से 0 बन जाएगा और 1 1 0 0 1, यानी कि आप देख पा रहे हैं हमारा सी वाला आंसर सही है। अगला हमारा क्वेश्चन 84 है जो कि एक डेसिमल वैल्यू है, आपको इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो इसके भी चारों ऑप्शन दिए गए, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 84 कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 4 8 और 2 2 4 0, फिर 2 से करेंगे 2 2 4 2 1 2 0, फिर 2 से करेंगे 2 1 2 0 बार जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर 1, फिर 2 से 2 5 10 रिमाइंडर 0, फिर 2 से 2 2 4 रिमाइंडर 1, फिर 2 से 2 1 2 रिमाइंडर 0, फिर 2 से 0 बन जाएगा रिमाइंडर 1, यानी कि 1 0 1 0 1 0 0। तो आप देख पा रहे हैं हमारा ए जो ऑप्शन है 1 0 1 0 1 0 0, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला हमारा क्वेश्चन 15 है जो कि एक डेसिमल वैल्यू है, आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है इसमें से। 15 है एक डेसिमल वैल्यू है तो इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 7 14 रिमाइंडर 1, फिर 2 से 2 3 6 रिमाइंडर 1, फिर 2 से 2 1 2 रिमाइंडर 1, फिर 2 से 0 और रिमाइंडर 1, यानी कि 4 टाइम्स 1 जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो सी वाले ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं 4 टाइम्स 1 है तो सी हमारा सही है। तो गाइस इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोग देखे तीनों से रिलेटेड MCQs, और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।